उपद्रवियों ने साइबर पुलिस स्टेशन को तो निशाना बनाया ही, साथ ही साथ उसके आसपास की जो दुकानें थी या जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उनको भी निशाना बनाया। इस वक्त हमारे साथ गौरव गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गौरव जी, कितने बजे की ये बात रही होगी और कितना डर का माहौल था? बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल था जी, बहुत डर का माहौल था। करीब 3-3.5 बजे की ये घटना थी। हम लोग यहाँ पर बैठे थे, अपने घर पे बैठे थे। इतनी भारी तादाद में जब भीड़ आती देखी, हम लोगों ने अपनी दुकानों को अंदर से लॉक करके अपने आप को सेफ करा। मैं, फैमिली रह रही है, फैमिली को बड़ी मुश्किल से बचाया, लॉक करके बिल्कुल बैठे हैं। जब देखा तो पहले तो साइबर थाने पे अटैक हुआ, बहुत हज़ारों की तादाद में भीड़ आई, थाने पे पत्थर चलाए हैं, पुलिस ने हवाई फायर करके अपने आप की बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उसके बाद इतनी भीड़ एक साथ आती है, हमने इन लोगों को क्या बिगाड़ा था, मेरी गाड़ी को ज़बरदस्ती इन्होंने तहस नहस कर दिया। आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पर इन्होंने मारे हैं। अगर एक पत्थर भी अगर गलती से हम लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए कुछ, अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाए, हम पे लग जाए, हम नहीं जिंदा बच सकते। हम लोगों की लोकल लोकल लोगों से क्या लड़ाई थी? हम यहाँ सुबह से शाम तक इतने सालों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियाँ हमारी बीत गई, हम व्यापार कर रहे हैं। हम लोगों से क्या लड़ाई थी लोकल लोगों की? हम लोगों के साथ कोई, इन्होंने जो हमारे साथ अत्याचार करा, ये नहीं करना चाहिए था, मैं इतना कह सकता हूँ। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो मैं कहूँगा, प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन को इंटेलिजेंस की इतनी पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, दंगे की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई अलर्ट नहीं लिया। सरकार बैठे बैठे चंडीगढ़ से देख रही है सारे माहौल को, दिल्ली में बैठे बैठे देख रही है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, 1.5 घंटा लगता है मात्र यहाँ पहुँचने में। फोर्स नहीं आ सकती थी? मानेसर में NSG कैंप है, BSF कैंप बॉन्डसी में है, जिरका में BSF कैंप है। हज़ारों की तादाद में फोर्स अगर पहले आ जाती तो हम लोगों पे कोई अटैक नहीं होता। कितने लोग, कितनी गाड़ियां जिंदा, कितनी गाड़ियां फूंक दी गई, ना जाने कितने आदमी मरे हैं। अभी किसी की कोई आधिकारिक पुष्टि तो सरकार अभी कर ही नहीं रही कितना आदमी मरा है। तकरीबन कितने की संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी? कितनी भीड़ तादाद में भीड़ थी जी? हज़ारों की तादाद में, इतनी चारों तरफ से। जब पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही, आम जनता अपने आप को कैसे बचाएगी? हम लोगों पे ना कोई हथियार ना कुछ, हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? जब पुलिस के पास तो इतना हथियार है, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, आम जनता कैसे सेफ रहेगी? बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन यहीं से सामने है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो सामने आप साइबर पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं, नूह का साइबर क्राइम नूह पुलिस स्टेशन है। और यहां पर भी जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इनको भी उपद्रवियों ने टारगेट किया, इनके भी शीशे तोड़े गए। इसके अलावा यहां पर उपद्रवी जब पहुंचे तो इनकी जो गाड़ी थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई। कहीं ना कहीं जितने भी लोगों से अभी तक हमने बातचीत की है, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा, यानी कि जब इस शोभा यात्रा की परमिशन पहले से थी तो पुलिस को इस चीज़ की भनक क्यों नहीं लगी कि इस यात्रा के अंदर कुछ होने वाला है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, ABP News, नूह।